Hello, in today's video, I am going to show you how to make a smart table lamp cum pen holder. स्टडी लैंप बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे 9 वोल्ट बैटरी, देन बैटरी कनेक्टर, देन पावर सॉकेट एंड स्विच, देन वायर एक्सटेंडर एंड द एलईडी लैंप। लैंप बनाया है तो लैंप यूज नहीं करेंगे, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। और एक फोम शीट जिसमें सारे कटआउट्स बने हुए हैं। सो लेट्स मेक इट। तो हम सबसे पहले फोम शीट में से सारे पार्ट्स अलग कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसे फोम शीट नहीं है तो आप कार्डबोर्ड पे भी ऐसे पीसेस ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सभी पीसेस निकाल लेते हैं। हमने पीसेस निकाल लिए, तो अब हम इसे असेंबल करेंगे। सो लेट मी टेक दिस ऑल असाइड सो दैट वी कैन मेक इट इजी। सब असेंबल करेंगे तो इधर मैं बैटरी को कनेक्टर से अटैच कर दिया है, तो इस होल के थ्रू हम ये वायर पास कर देंगे ताकि हमारी बैटरी इस सेक्शन के अंदर रहे और हमारी बैटरी मूव ना करे, उसकी जगह सिक्योर हो जाए। अब हम पावर सॉकेट में इसे कनेक्ट करेंगे और फिर उसमें हम वायर एक्सटेंडर को कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसे इधर प्लेस कर देंगे, ये ग्रूव्स में इसे ऐसे स्लाइड कर देंगे और एक्सटर्नल वायर को थोड़ा अंदर से कर देंगे। सो अभी हम इधर लैंप लगाएंगे, सो उसके लिए हम ये वायर को इस पीस के पीछे से ले लेते हैं ताकि हमारा लैंप नीट एंड क्लीन दिखे। सो लेट मी टेक इट दिस साइड, सर इसे कनेक्ट कर देंगे लैंप के साथ और इधर प्लेस कर देंगे और हम इसे एडजस्ट कर लेंगे कि इधर हमारे लैंप होल से दिख सके। सो मैं जैसे इधर स्विच ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं इधर लाइट ऑन हो गई है। शो यू दैट। हम इसमें हमारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं, इधर उसके लिए एक अलग से स्पेस दी गई है, जैसे कि पेन पेंसिल और इरेजर हम इधर रख सकते हैं। तो ये 2-in-1 हो गया, लैंप और स्टेशनरी होल्डर या तो पेन होल्डर। सो हम लैंप के यूज से बुक भी पढ़ सकते हैं। अब मैं रूम की लाइट बंद करूँगा, लैंप ऑन करूँगा तो हम ये पढ़ पाएंगे। तो मैंने लैंप ऑन कर दिया है तो हम इसे पढ़ सकते हैं क्लियरली। अगर कोई
किसी को पर्सनल लाइट से पढ़ना हो या जब पावर ना हो तब पढ़ना हो तो हम ये लैंप यूज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इधर क्लियरली ये रीडेबल है, शायद से कैमरे में नहीं दिख रहा होगा पर ये रीडेबल है। ये तो एक बेसिक लैंप है, अब हम इसे थोड़ा एडवांस बनाएंगे। तो हम डार्क सेंसर यूज करेंगे जिसकी मदद से क्या होगा कि जब लाइट ऑफ होगी या ऑटोमेटिक लाइट ऑफ होती है तो हमारा सेंसर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, हमें ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट मी शो यू दैट। सो हम इसे इधर से निकाल लेंगे और इसके अंदर हम डार्क सेंसर को ऐड कर देंगे। सो इधर से मैं ये निकाल देता हूँ और डार्क सेंसर इधर अटैच कर देता हूँ और पावर अटैच कर देता हूँ। सो मैं इधर वापस से प्लेस कर देता हूँ, तो मैं इसे कनेक्ट करूँगा। सो हमने एडवांस लैंप बना लिया, अब मैं इसे स्विच ऑन करूंगा। स्विच ऑन, तो ये लैंप ऑन नहीं होगा क्योंकि अभी रूम में डार्क नहीं है। हमने डार्क सेंसर लगाया तो जब रूम में डार्क होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सो अभी मैं रूम की लाइट्स ऑफ करता हूँ। सो देख सकते हो अभी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, जैसे ही रूम की लाइट्स ऑफ हो गई आप देख सकते हो इधर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। Hellcat.